morning, student. Today the start the first chapter. First paper. Statistics. Business statistics. Business statistics के बारे में तो हमने statistics समझते plus two में भी पढ़ी थी. Plus two में हमने पढ़ी थी. ताकरों के जो थे school में CBSE पे किन जान जो तुमने CBSE भी पढ़ी थी वो CBSE ICSE पे पढ़ी थी वो भी तुमने statistics पढ़ी थी. Business statistics मुझे जान लगे के भी आज ही first time पढ़ी होगी become है right. ताकरों समझते statistics पढ़ दिया होगा भाई. समझते हैं जो स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग कौन कैपिटल स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट है ना ये समझने के तो पहले हिस्ट्री स्टैटिस्टिक्स को समझ के जाना से सब को से कितना है हमारा तुम्हारा बीकॉम सिलेबस से स्किप कर दी थी बीकॉम सिलेबस से स्किप करने फर्स्ट पे हम स्टार्ट कर चुके फर्स्ट चैप्टर तो बता जी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी स्टैटिस्टिक्स का फर्स्ट चैप्टर अच्छे से हां मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बट स्टैटिस्टिक्स को क्यों इंट्रोडक्शन में बात में मन होके जाती स्टैटिस्टिक्स मानो पहले ना स्टैटिस्टिक्स कौन बोलते हो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का मतलब है स्टैटिस्टिक्स को तो असल स्टैटिस्टिक्स जो हमारा असल है तो फर्स्ट वर्ड मतलब देखो पहले स्टैटिस्टिक्स मानो आप लोग बोलते हो द वर्ड स्टैटिस्टिक्स हैज बीन डिराइव्ड The Latin word status. Latin word, okay? Latin word status. So, I'm going to tell you about statistics. Which is our meaning of status? Our meaning of political state. Political state. मतलब जितना चंद्रगुप्त मौर्य थे, राजा मौर्य समाज तो हम राजा मान जो तो फिर करने से जिस समय को पॉलिटिकल और बीट डेथ कितने जना मार ले कितने जना बाउंसी ले से सब जगह और ने ताकि कैलकुलेशन करिया भाई हमारे स्टैटिस्टिक्स तक को यूज करते हैं ओके हमारे इंडिया के फर्स्ट के पे स्टैटिस्टिक्स यूज करा जो हमारे चंद्रगुप्त का जो शासन को तुले से टाइम ले हमारे फर्स्ट से कितने जना बीट हमारे जन्म ले कितने जना मॉडल के तरह ये सब के काउंट करे अपनी स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं बट जनरली एपे हमें को तरह स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं न्यूमेरिकल कैलकुलेशन मैथमेटिक्स कैलकुलेशन का हमें स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं हमें जो पढ़ो जे कौन कोई कोई प्रॉब्लम के तो कुछ ही देखिए मर्जी के बहुत सी तक स्टैटिस्टिक्स पर गए हैं से सब आगे रहो तो लग बट हमारे सिलेबस में जहां चाहते रहते हमें स्टार्ट कर यार न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को नहीं जहां के स्कूल जो स्टूडेंट्स देखे वो बा एवरेज मार्क्स दे दिबो किछ रे हमर एग्जाम टेस्ट रो मार्क दे दिबो किछ नंबर्स दे दिबो तर एवरेज बार पे हो गयो ए टाइप रे न्यूमेरिकल बेसिस रे हम एवरेज स्टैटिस्टिक्स रे यूज कर छे लाने हमें देखिया फर्स्ट हम जो सिलेबस पे मई फर्स्ट यूनिट अछि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी सेला हम देखिया मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मींस कौन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी measures of central tendency measure means measures
methods and the word central tendency and the word central tendency means average value of average value of any statistical series. कौन कौन लगते हैं? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर मीन्स मेथड, सेंट्रल टेंडेंसी मीन्स वैल्यू ऑफ एनी स्टैटिस्टिकल सीरीज, जहाँ हमारे पास वैल्यू रहती है वो स्टैटिस्टिकल सीरीज रहो, जहाँ लाइक एग्जांपल डेफिनेशन लिखने को तुमको बुझे भी कौन को टाइप के सीरीज अच्छी तुमने दादू को भी जाने चलो दोस द कॉमन टर्म अपन देखो दोस the combined term those the combined term major of central tendency means the method finding the method finding of the method finding of the central value or average value statistical series or any series of quantitative information नंबर्स प्लान हो गई थी 3 4 5 कितना नंबर की प्लान है 3 4 5 पिक्चर है एवरेज कितने आसीबो हम कितना करें इनके जाकर सम कर दो 3 + 4 + 5 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल कितना सर बने हैं 7 + 5 12 by 3 4 असल में हमारा एवरेज वैल्यू इधर को जो ना सेंट्रल वैल्यू और एवरेज वैल्यू ए टाइप का एवरेज वैल्यू के टाइम हम फाइंड आउट करेगा तो कॉल होती है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ओके से कहां पर करेगा करते सीरीज दी जो एवरेज वैल्यू ऑफ ए स्टैटिस्टिकल सीरीज और एनी सीरीज ऑफ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन मतलब कि नंबर्स को देख लो कि देखो स्टैटिस्टिकल सीरीज ना देखिए हम दे रहा है कि छोटे नंबर्स
एवरेज रेट केते हम बचल सेड कौन करा हम क्वांटिटेटिव 10 टा क्वांटिटेटिव दिस पिल हले 10 प्रकार हमर जिंस अछि कार कौन रेट अछि तार जदी एवरेज रेट हम केते असला देखो फाइंड आउट करबो ताला हम कौन करिया जहाँ जहाँ हमारे दस्तों लेकर रेट अच्छी से सब लेकर दस्तों लेकर प्लस कर दो डिवाइड कर दो कैरी कर दो ले हम जहाँ से तो कुछ पागल ना मेजर हम से डर कर रहे थे बात एवरेज वैल्यू तब जब तक हमें सब लेकर बात कुछ तक पर जो ना एवरेज वैल्यू है या उनका जो भी सेंट्रल टेंडेंसी ना एवरेज वैल्यू ना कोई जो हमारा सेंट्रल टेंडेंसी जब बोलो समझते हो एवरेज वैल्यू का एक बिगर प्लान जब हमें एवरेज वैल्यू का एक कुछ है आपने ये हमें कुछ ने मैक्रोस लोचे और ऐसे तो हमारा सीरीज भी अच्छी लिखा फर्स्ट लिखिया डिफरेंट टाइप्स ऑफ एवरेज एवरेज हमारा चुनना है जो सेंट्रल वैल्यू और एवरेज वैल्यू इसे कौन कौन टाइप का चेक दिखिया फर्स्ट कौन कौन सुबह फर्स्ट है
is comparison size वैल्यू माने देखो कोई जो मूव इतने तरह पूछियो ना अपने
मैट्रिक्स को नहीं आप केने फार्मूला कुछ देखिया फर्स्ट दिया इंडिविजुअल सीरीज कर इंडिविजुअल सीरीज हम कौन कुछ माने ओनली एक्स बा इंडेक्स कैंडिडेट की हमरो खाली एक्स नंबरटा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स खाली दे दीजिए पर जहां जाए हम दे दीजिए कौन 3 गुड नंबर दीजिए पर क्वांटिटी दीजिए नंबर 3 4 5 दे दीजिए करे आर एड्रेस जदी काम करोगी पहला खाली जदी हमको एक्स दे दीजिए और इंडेक्स खाली हमको दे दीजिए तार तक पर कौन इंडिविजुअल सीरीज पिला ने डिस्क्रीट सीरीज रे कौन दियो पिला ने हमको इंडेक्स दियो पिला ने ता से ता हमको फ्रीक्वेंसी दियो एफ दियो बुझलो एफ जे दिया छ हमरो 3 देखो इरा हमरो फर्स्ट पिला इरा इंडिविजुअल पिला डिस्क्रीट रे पिला देखिया नंबर ऑफ माने सैलरी असो पिला एक्स्ट्रा काम नी दिजे काम सैलरी इंडिविजुअल नंबर ऑफ एम्प्लॉय ओके सैलरी प्लान है 10000 पाउचंदी 5 जन 12000 पाउचंदी 3 जन 6 जन 18000 पाउची जाने मेरा कहने का है एडी हमारा सैलरी का तो मतलब एक्स से देना आसित नंबर ऑफ एम्प्लॉय जरा फ्रीक्वेंसी देना हम टोटल कितने जने एम्प्लॉय से हम कितना किया टोटल है जितना ना हम क्लियर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना काम हो कितना काम हो चुके ये वाला हम कितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हम 8 5 8 6 14 15 बुझला ना पर एरिया हमारा इंडिविजुअल के कितना 1 2 3 यहां हमारा 3 बुझला क्या नहीं नेक्स्ट पहला हमारा कंटिन्यू सीरीज कौन माने कंटिन्यू सीरीज हमारा क्लास इंटरवल देखो इनको देखो कंटिन्यू सीरीज कौन देखो कंटिन्यू सीरीज जब करे हम देखो 0 टू 10 10 टू 20 20 टू 30 30 टू 40 ये टाइप का चला है देखो हमारे को 40 मार्क्स का एग्जाम हो गई बुझना 40 मार्क्स का एग्जाम हो गया माने ये अच्छे नहीं कौन है अच्छे मार्क्स मार्क्स का है ना कंटिन्यूस की जो बच्चे मार्क्स है अच्छी ये अच्छी कौन है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ओके ये अच्छे मार्क्स ये अच्छे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 0 टू 10 तक के माने अच्छे थी 2 20 टू 10 टू 20 अच्छे के माने 7 20 टू 30 अच्छे के माने 5 देन के माने 30 टू 40 अच्छे ने हमर ओके टोटल जहां से आया हमर ऑब्जर्वेशन कौन हो टोटल कितना से देखो 9 5 7 8 ओके इडा का फॉर्मूला हम क्या है जितना हमें फॉर्मूला लिखिया आपको नहीं लिखिया इडा का नंबर प्रोडक्शन 10 0 टू 10 से कार कितने मार्क्स है सिक्स पॉइंट जो पर 0 टू 10 में हम लोग तीनटा पिला रहे छे मेरे पहला मुझे जो 0 टू 10 का इडा को छो क्लास इंटरवल कौन कह छे को क्लास इंटरवल 10 से 20 तो क्लास इंटरवल में कौन दियो माने L1 ये कौन L1 माइनस L2 पर जो सब जगह सेम है सब देखो इडी जा L2 माइनस L1 L2 माइनस L1 सब सेम है माने कोनो आर डिफरेंस दिसला सेकंड रो डिफरेंस दिसो थर्ड डिफरेंस दिसो फोर्थ डिफरेंस दिसो इडा कोच कोनो क्लास इंटरवल बुझा पडा समझते को ए सब दिला कोन मिलना हमर सीरीज इंडिविजुअल सीरीज डिस्क्रीट सीरीज कंटिन्यूस सीरीज तमने जानि हो कि कोडा को सीरीज एको माने जदि खाली एक्स दे दिछि ताला तक को जा कोनो इंडिविजुअल सीरीज एक्स सहित तब माने हम जदि नंबर ऑफ एम्प्लॉय दिछि बा फ्रीक्वेंसी जा दिछि ताको वाला कौन आवो कनो डिस्क्रीट सीरीज क्लास इंटरवल दिछि फ्रीक्वेंसी दिछि ताको वाला कंटिन्यूस सीरीज आ अवसर रे पूरा तुम थ्योरेटिकल तुम मटेरियल से अच्छी पढ़ो जा जने डाउट रहले मैं को तुमको कह दे यदि मटेरियल नॉन मिल जाता ताले मु पूरा नॉन को तुम डिटेल करता दी इंडिविजुअल सीरीज करो डिस्क्रीट सीरीज करो कंटिन्यूस सीरीज करो और तुम्हें प्लस 2 फर्स्ट ईयर के लिए तुम्हें ताले डिस्क्रीट तुमको डिटेक्ट करता है बट तुम्हें ये समझ जाएगा तुम्हें बहुत कुछ आइडिया देखो
टिके टिके भूल जाय जे हम छी जे त मटेरियल से सिग नबो सर हम मटेरियल से जे छी ना सिग मटेरियल रे आराम से आंसर सुन जाय त तुम पढ़ पर हला एबे हम देखिया कि माने जो हम जे तो अरिथमेटिक एवरेज फाइंड आउट करियो से को को तजो फार्मूला कोन कोन छी डायरेक्ट मेथड रे शॉर्टकट मेथड रे स्टेबलाइजेशन मेथड रे मार करियो ताको अतरे इंडिविजुअल सीरीज डिस्क्रीट सीरीज कंटीन्यूअस सीरीज हो जा ता कोन फार्मूला से छु देखिए आ ओके अब हम देखिए अरिथमेटिक एवरेज हम ऑप्शन का ने समझाबो अरिथमेटिक एवरेज रो मेथड समझा ने कितने माने सीरीज करले अरिथमेटिक एवरेज पर माने तर फार्मूला आउछ हमरो x बार माने का मतलब है मीन बा अरिथमेटिक एवरेज पर तो समेशन x डिवाइडेड बाय n ओके स्टूडेंट्स x बार वेयर x बार इक्वल्स टू अरिथमेटिक एवरेज समेशन x इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ समेशन x इक्वल टू सम ऑफ द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल नेक्स्ट में मिला एन हाँ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और नंबर ऑफ आइटम इंडिविजुअल सीरीज डिस्क्रीट सीरीज
continuous rings. Okay, plus our direct method. They are more one formula. So, जहाँ हमारा तो normal formula पे है, x bar equal to summation x divided by n. डायरेक्ट मेथड इंडिविजुअल सीरीज हमें इंडिविजुअल सीरीज माने कौन कौन है ओनली इंडेक्स जहाँ तरह वैल्यू वाले एक्स का हम देखे वो सिद्ध भाई हमने बाहर करवा समेशन एक्स बाई एन सेम तो हमने डायरेक्ट मेथड है डिस्क्रीट सीरीज का हम बाहर डिस्क्रीट सीरीज माने हम कौन कौन चुका है एक्स देखे वो तो सिद्ध हमारा एफ तक भी कर देखे वो सिद्ध हम कौन कौन एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ एक्स divided by n. n माने number of observation. सिंदर लाने continuous series लेकर आओ. continuous series जब तो लाने x bar equals to इधर लाने हमको class interval देख बो. अने कौन है? 0 to 10, 10 to 20 के तरफ देखो. तो आपको हम कौन कौन से हैं? mean value बार क्या? x bar equals to summation m f. f m. m f f m. m का मतलब है मीन वैल्यू डिवाइडेड बाय n मीन वैल्यू की बाय के माने l1 प्लस l के ब्रैकेट में तेरे m इक्वल्स टू l1 प्लस n2 डिवाइडेड बाय 2 बुझ लग गया समझते को m की बाय हो l1 प्लस l2 डिवाइडेड बाय 2 ओके डाला का हमारा इंडिविजुअल सीरीज डिस्क्रीट सीरीज कंटीन्यूअस सीरीज को मतलब है डायरेक्ट मेथड है तापर देखें तो हमने शॉर्टकट मेथड पे कौन से तरह है शॉर्टकट मेथड में हम पर करिया x बार इक्वल टू a प्लस समेशन d डिवाइडेड बाय n लेवल a माने माउस a मीन से लग रहा है तो देख लो जो भी a इक्वल टू hm मीन और एवरेज एज्यूम्ड एवरेज ओके मीन पर एवरेज हो गया एज्यूम्ड एवरेज और एज्यूम्ड मीन ओके इधर ये डी हमने की कैलकुलेशन कर लिया समेशन डी डी एसएन समेशन डी प्लस डी हमने की कैलकुलेशन की जाएगा ना डी इक्वल्स टू एक्स माइनस ए डी इक्वल्स टू एक्स माइनस ए ए मैंने कहा एजम मीन मुझे लग रहा है एक्स जहां वैल्यू दी हुआ और एक्स दे दी तो हमको एक्स माइनस ए कर दिया हमारा डी जब लग रहा है नेक्स्ट कौन हो सकती है एक्स बार इक्वल्स टू सम ए प्लस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाय एन एडिशन कौन हो रहा है एक्स बार इक्वल्स टू समेशन एफ डी डिवाइडेड बाय एन एडी प्लस एन डी हमारे किधर से गो डी इक्वल्स टू एम माइनस ए कौन पे एक्स मतलब को मीड वैल्यू भाग कर दो मीड वैल्यू माइनस एच एम मतलब इक्वल्स टू डी एस मुझे बोला इसने ऐसे तुमने टेप डेकेशन में तो टेप डेकेशन में तो क्या बोला था मैंने एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस समेशन डी एस डिवाइडेड बाय एन इनटू सी सी का मतलब है ना हमारे इस बात पे सी इक्वल टू हमारे इक्वल इंटरवल जो होता है अने एक कॉमन फैक्टर जो होता है ना एक को हमें कॉमन फैक्टर भी कहा एक को सी भी कहते हैं वो एक को निकले के भी कौन सा भी आई बिल्डर मीन सी और आई इक्वल एक को भी हम किन बात करते हैं क्वेश्चन कर रहा हूँ तो सब जगह क्वेश्चन ले देखे दिन का हमें किन बात करते ए प्लस समेशन एफ डी एस ओ डिवाइडेड बाय एन इनटू सी सिंदे एडिट करना है सेम और कौन है वो एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस समेशन एफ डी एस डिवाइडेड बाय एन इनटू सी मुझे बोला क्या है इधर हुआ हमारा पूरा अरिथमेटिक एवरेज लेकर इधर वैल्यू बार करेगा तीन टा मेथड अच्छा हमारा अरिथमेटिक का कौन है डायरेक्ट मेथड कट मेथड स्टैंडर्ड बेसिक मेथड सिंदे तीन टा सीरीज अच्छी
इंडिविजुअल सीरीज डिस्क्रीट सीरीज कंटिन्यू सीरीज ताको लेके हमें फार्मूला नोटा हमर तैयार कर ले ये जो नोटा फार्मूला को लेके हमें डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम करेगा ओके स्टूडेंट हम उस प्रॉब्लम करिए चला इंडिविजुअल सीरीज रे लगे जतवा मु क्वेश्चन हमें जा क्वेश्चन करिए सब जगह मेथड रे करिए से क्वेश्चन इंडिविजुअल सीरीज रे था डिस्क्रीट सीरीज रे था कंटिन्यूस सीरीज रे था तीन जगह मेथड रे हमें सब करिए क्वेश्चन नंबर 1 हम तुम समस्त हम मटेरियल पे क्वेश्चन अछि सेते पे हम क्वेश्चन देखुनी कोइ अछि कर क्वेश्चन त तापर डायरेक्ट आंसर करिए फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा रिलेटिंग टू द मार्क्स सिक्योर बाय 5 स्टूडेंट्स कैलकुलेट द एवरेज मार्क्स अंडर द डिफरेंट पॉसिबल मेथड सब जगह मेथड काम करिया त माने देछि कोन पांच नंबर मार्क्स देछि प्रोग्रामिंग से कोन नंबर फर्स्ट देछि देखो क्वेश्चन देछि रोल नंबर ओके पांचटा रोल नंबर देछि हमर अगर मार्क्स देछि इनको हमें एक्सपोज कर दो मार्क्स हमें एक्स कर दो ना मार्क्स देख पुरे वाले 40 50 30 60 70 ओके यदि क्या हम मार्क्स देख पुरे वाले बुझला आपको हमें कौन कौन से डिफरेंट मेथड है हमारा आंसर बाहर करो बाहर कैलकुलेशन करो कोड़ा अरिथमेटिक एवरेज एक्स बार हमें कौन कौन से अपने आपको फर्स्ट लिख दिया कि आंसर लेकर क्वेश्चन आपको दे चुका आंसर करके हमने सेम डिटेल से चला लो आर एवरेज हमें को फार्मूला कौन कौन से आंसर है एक्स बार इक्वल्स टू समेशन एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन ओके ना नहीं नाम कौन डायरेक्ट मेथड समेशन एक्स कितना सब लेने सब जगह प्रेजेंट है जहाँ देखो 90 90 प्लस 120 ये 50 250 करेंगे 130 ये हमारे 250 आसान है ना हमारा समेशन एक्स बार ओके समेशन एक्स बार 250 आसान है एन प्रॉब्लम है नंबर ऑफ आइटम मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना अच्छी पांचटा अच्छी रोल नंबर पांचटा अच्छी नहीं पांचटा स्टूडेंट अच्छी इक्वल टू नंबर एक्स बार इक्वल टू 250 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 50 एला पर कौन अरिथमेटिक एवरेज सेम पिला रहे हम क्रिया में स्टेप रिलेशन मेथड कॉन्फ्लुएंट फॉर्मूला एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस समेशन डी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस समेशन डी डिवाइडेड बाय एन ओके कौन आसो ए आंसर समेशन डी किन मार्क ले आ डी कौन कह दिया तुमने तुम को दे डी इक्वल्स टू हम मार्क ले छि डी देखो ए हम नहीं ले छि ना डी हम तो बात है तो आप बता छि डी डी की तरफ मार्क ले कर रहे हैं डी इक्वल्स टू कौन थला मतलब पूरा एक्स माइनस ए ए हम का नाम है एजेम टू एवरेज और एजेम टू मीन इन्होंने तुम को दिन सब कह दो छि जतले हमें एजम टू मीन नबा आ भीतर नंबर में ना बहु पा बाहर नंबर में ना बट स्टैटिस्टिक्स में जब हम कुछ सीरीज का सीरियल वाइज दे छी और पांच का नंबर दे छी सेम टेप टेप दे छी ताले तुम मिडिल टर्म का हो कौन भाई तुम को सॉल्व करया रे इजी हो इतरा हम जा ने ना हो चा हम सीरियल दे नी बट हम 50 ना कौन भाई 30 40 हो छी 60 70 हो छी 50 ना मिडिल टर्म आसो इजीली सॉल्व हो परबो या में a इक्वल्स टू 50 ना बता बुझलो a इक्वल्स टू लिख दियो a इक्वल्स टू 50 बुझलो એટલે કારણે d ફર્સ્ટ કેટલા છો x માઈનસ a 40 માઈનસ 50 માઈનસ 10 50 માઈનસ 50 0 એટલે કારણે
30 माइनस 50 माइनस 20 यानी होगा 50 माइनस 60 10 50 माइनस 70 माइनस 50 20 समेशन डी जीरो बुझला पहले समझते को समझ के बुझला समेशन डी ऐसे करते हो आप लोग समेशन डी जैसा हम करते हैं उसके अंदर मतलब हमने बाहर करते चल रहे तापर दिल रहा आंसर कर लिया समेशन डी करते हैं समेशन डी का तो मतलब है ना डी डिवाइडेड बाय सी सी अलावा कौन करता है कॉमन फैक्टर सी को हमें कॉमन किन बात करता है डी बाय सी सी हमें कॉमन देखो बोला ये जो पांच से जो नंबर अच्छे ज्यादा तरह डिविजिबल है बच्चे तक पा पा बस सी इक्वल्स टू 10 माइनस 1 0 माइनस 2 1 2 ये दिस का 0 समेशन डी एस प्लस का 0 बुझला एबा पे मामला पके दा पुट करो ये कितना कर है 50 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 5 करेक्ट आंसर एक्स बार पहले शक्कर मंत्र से शक्कर मंत्र का स्टेबलाइजेशन मंत्र रहेगा शक्कर वृद्ध इडा मानो शक्कर मंत्र पहला मतलब क्या है स्टेबलाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन मेथड का नाम है हमारा ए प्लस समेशन डी डेज डिवाइडेड बाय एन इनटू सी इक्वल्स टू ए बना 50 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 5 इनटू 10 इक्वल्स टू 50 मैंने देखा अब जो मेथड हमें फाइंड आउट करने से वैल्यू हमारा कितने जगह एवरेज वैल्यू सेम आ चुका बुझेला समझ के वो पिलाने समस्ते कॉलेज ना इजी भी तुमको रोएगो कौन पे तुमने प्लस टू ले बीसी टीचर टाइप रो जहाँ भी टिके टिके जीजे भूली जाए चुप ना होए समाने आप जब प्रॉपर ना देखते दे सब कर करे इजी भी ये टाइप ना बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमें नेक्स्ट क्लास करिया लेना हमें जितनी की प्रॉब्लम हो तो हमको सॉल्व करे सब की जगह प्रॉब्लम कुछ भी डिफरेंट डिफरेंट थी वो प्रॉब्लम को भी बदल प्रॉब्लम को नेक्स्ट प्रॉब्लम ना रिलेटेड अब नहीं आप चीजें डिफरेंट डिफरेंट मिनिमम तुम मटेरियल रे 40 40 की 41 टू कैसे कर लो देखो सब जगह डिफरेंट डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम से सब जगह प्रॉब्लम का में सब जगह को बोर्ड पर प्रॉब्लम को सॉल्व करके तुम भाई करी थैंक यू फॉर वाचिंग।